हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, एडवर्टाइजिंग का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ऑफ एड एजेंसी। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे एड एजेंसीज है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट है बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड द मीडिया। ओके, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं एड एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कैसे लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, है ना, जो प्रिपेयर करते हैं, डेवलप करते हैं एडवर्टाइजिंग, और फिर जाके वो मीडिया में हमें दिखता है। ठीक है, हम जैसे कस्टमर्स अगर हमें सामान खरीदना है तो व्हाट वी डू, वी नॉर्मली सी एडवर्टाइजिंग एंड देन वी बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एड एजेंसीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज जो ये टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ऑफ एड एजेंसीज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिफर करता है फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेशलाइज डिपार्टमेंट होते हैं इनके। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज, उसके चार पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके के है, सी सबसे पहला जो है टॉप मोस्ट पे होंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब सीईओ, ये सब टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं। ठीक है, उसके अंडर में आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ओके, जिसको हम कहते हैं मिडिल लेवल। तो ये मिडिल लेवल जो है वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिख रहा है, वाइस प्रेसिडेंट क्रिएटिव सर्विसेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीडिया सर्विसेज, देन वाइस प्रेसिडेंट अकाउंटिंग सर्विसेज, एंड द लास्ट विल बी वाइस प्रेसिडेंट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट क्रिएटिव सर्विस। एज द नेम सजेस्ट, क्रिएटिव मतलब क्या, क्रिएटिव मतलब जो बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ इनोवेटिव चीज़ें बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिव सर्विसेज इंक्लूड्स कॉपी राइटिंग, आर्ट वर्क, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड एड्स। बहुत ही ध्यान से सुनना है, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एमसीक्यूज के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट क्रिएटिव सर्विसेज में, कॉपी एंड आर्ट। सी मोस्ट एडवर्टाइजिंग पीपल बिलीव करता है कि जो कॉपी राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडवर्टाइजिंग का, है ना, मतलब कॉपी डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट। कॉपी राइटिंग को हम क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि यूजुअली ये एक डिपार्टमेंट है जो प्लान करता है, प्रिपेयर करता है एडवर्टाइजिंग कॉपी फॉर ऑल मीडिया। ठीक है, मतलब कुछ कुछ एजेंसीज होंगे जिनके पास में अलग सा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, टू प्रिपेयर दोज एड्स, फाइन। अब यहाँ पर कॉपी राइटिंग इसलिए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, व्हाई, तो मैंने जैसे बताया है प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, डन। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। व्हेन वी से प्रोडक्शन, सी एक बार अगर कॉपी राइटिंग हो जाती है, एक बार अगर लेआउट फाइनलाइज हो जाता है कि यू नो किस तरीके से एडवर्टाइज दिखना चाहिए, तब काम आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिंट्स द एड एज पर द लेआउट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिंट्स द एड एज पर द लेआउट। ठीक है, मतलब प्रिंट मीडिया के प्रिंट मीडिया को अपना एड सबमिट करने से पहले ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो ऑफर करता है अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट्स, फाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन मतलब दे कैन यू नो राइट द स्क्रिप्ट एंड प्रोड्यूस द एंटायर कमर्शियल, फाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन। नेक्स्ट इज ट्रैफिक। ट्रैफिक इज मैटर ऑफ स्केड्यूलिंग,
वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक इज अ मैटर ऑफ स्केड्यूलिंग. सी, टू कीप द वर्क फ्लो ऑन स्केड्यूल, टाइम पर काम होना ही चाहिए. ठीक है, तो वो एजेंसी भी तो इंपॉर्टेंट रखती है ना, वो डिपार्टमेंट भी तो इंपॉर्टेंट रखता है. चलो ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान कर लिया, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दिया है मेरा एड्स. ठीक है, फिर मैंने प्रिंट दे दिया है, पर अगर अकॉर्डिंग टू द टाइम मैंने उसको नहीं मॉनिटर किया तो क्या हो जाएगा, मेरी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी, है ना. तो ट्रैफिक इज़ अ मैटर ऑफ स्केड्यूलिंग. फाइन, द वाइस प्रेसिडेंट क्रिएटिव सर्विसेज, कॉपी एंड आर्ट, प्रोडक्शन एंड देन ट्रैफिक. नेक्स्ट इज मीडिया सर्विस. अब से जब हम बात कर रहे हैं मीडिया सर्विस की, तो मीडिया सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिया प्लानिंग, बाइंग टाइम एंड स्पेस. मतलब कौन से मीडिया पर, कौन से ऐसा चैनल है जहां पर हम अपने एड्स जो है उसको प्रेजेंट करना है, कौन सा टाइम होना चाहिए जहां पे अपनी एडवर्टाइज जो है वो प्ले होगी. ठीक है, तो ये कौन देखता है, ये नॉर्मली मीडिया सर्विस डिपार्टमेंट देखता है. अब सबसे पहले हमें प्लान करना है, जैसे कि नेम सजेस्ट है ना, पहले मैं क्या करूँगी, आई नीड टू प्लान. तो दिस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ राइट मीडिया मिक्स. कहाँ पर कितना बजट होना चाहिए, हमारा कैंपेन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारा जो नेचर ऑफ टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, तो ये सब कुछ क्या करेगा, ये रेस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के लिए. ठीक है, एट द राइट टाइम, एट द राइट मीडिया. नेक्स्ट, अब सब कुछ चलो मैंने प्लान कर दिया, मेरा प्रोडक्ट्स, मेरे टारगेट ऑडियंस, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा एड बजट भी मैंने चलो तय कर दिया. अब मैं क्या करूँगी, मैं बाय करूँगी, है ना. तो मीडिया को बाय करना, फॉर एग्जाम्पल अगर तो मुझे स्टार प्लस पे कुछ भी एडवर्टाइज प्ले करना है, ठीक है, और वो भी पीक टाइम पर. ठीक है, हमारा नॉर्मली पीक टाइम होगा 8 o'clock के बाद, जहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के सीरियल्स देखेगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम एडवर्टाइज दिखा सकते हैं. तो दिस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग टाइम एंड स्पेस टू रन द एड कैंपेन. Dates, the time, the space of broadcasting or publishing the ads will be done by this department, that is media buying. Media buying ho gaya, ab hum aayenge media research pe. So the research section undertakes media research to find the effectives of the media. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम रिसर्च करेंगे कि हमने जो ऑलमोस्ट कलेक्ट किया है मार्केट में से जो भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या इम्पोर्टेंस लेकर आ रही है, मतलब कुछ तो उसने चेंज लाया है क्या नहीं मार्केट में. तो यहाँ पे हम रिसर्च कैसा करेंगे, प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग. ठीक है, तो ये सेक्शन क्या होगा, प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग ऑफ एड्स. एड से पहला मुझे कितना प्रॉफिट होता था, एड्स के बाद मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो मीडिया प्लानिंग इज वॉट इज responsible for planning and selection of right media mix. Media buying is responsible for buying time and space. Media research is undertaken for pre-testing and post-testing of ads. Done. Next is vice president account service. अब जब हम यहाँ पे account service की बात कर रहे हैं, तो account service is, this section is again headed by Vice President Account Services. He is responsible for the overall agency client responsible relationship. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिपार्टमेंट क्या करेगा कि किस तरीके से हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास यू नो क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट वो लुक थ्रू करेगा. ठीक है, क्या क्या लुक गो थ्रू करेगा, द एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप, How the business is growing and how is the client signing up. ठीक है, now the first is advertising plan. See, the account executive studies the client's product and problems. तो यहाँ पर जब मैं ad plan कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखूँगी कि क्या problems है मेरे client के. ठीक है, हम problems को जानेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, planning करेंगे. ठीक है, तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से अकाउंट सुपरवाइजर नीड्स टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स एंड रिपोर्ट द सेम टू द वाइस प्रेसिडेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्लानिंग. वापस यहाँ पर भी देखो सेम चल रहा है, प्लानिंग अच्छे तरीके से हो गई, मैंने जान लिया कि प्रॉब्लम क्या है. अब प्रॉब्लम के बाद में मैं क्या करूँगी, द बजट. अब मैं बजट प्रिपेयर करूँगी एंड आई नीड टू सबमिट इट टू द क्लाइंट.
ठीक है, जैसे मैंने कहा एड एजेंसी इज अ इंटरमीडियर, है ना, इंटरमीडियर वर्ड इस्तेमाल किया था मैंने। इंटरमीडियर किसका है, वो इंटरमीडियर बिटवीन एडवर्टाइजर एंड मीडिया, ठीक है। तो एड बजट होगा और क्लाइंट को देगा। अब क्लाइंट को बजट जब देता है तो ध्यान रखना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट शुड बी गुड, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है। द अकाउंट एग्जीक्यूटिव सपोर्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट इन मेंटेनिंग गुड रेपो एंड रिलेशन विद द क्लाइंट। मीटिंग्स लो कंटिन्यूसली, उनको बताओ कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव को एंड क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि उन दोनों के बीच में क्या रहे, गुड रेपो बना रखे। ऐसा ना हो लॉस होते जा रहा और हम बता ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंट रिलेशनशिप शुड बी गुड, एड बजट अच्छे तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग प्लानिंग मतलब यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को जानना है पहले, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज वाइस प्रेसिडेंट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। सबसे पहले ऑफिस मैनेजमेंट, सी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफिस मैनेजमेंट, दैट इज ही लुक्स आफ्टर द पर्सोनल। कैसे, यू नो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैसा होता है, सेम यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट होगा। ही विल ट्रेन द एम्प्लॉयज, ही विल प्रमोट देम, ही विल ट्रांसफर एक्सेट्रा। सो ऑल HR वर्क इज रिलेटेड इन ऑफिस मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट इज फाइनेंस, अगेन फाइनेंस सेक्शन डील्स विद इंटरनल बजट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, ओके। नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी, अकाउंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसिट एंड पेमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग फीस फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड मेकिंग द पेमेंट। तो यहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या होगा, रिसिट एंड पेमेंट, ठीक है। तो ऑफिस मैनेजमेंट इज फॉर HR, फाइनेंस डिपार्टमेंट इज फॉर इंटरनल बजट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, अकाउंटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसिट एंड पेमेंट, ठीक है। तो ये चारों जो स्ट्रक्चर है वो आई गेस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्रिएटिव सर्विस में है कॉपी एंड आर्ट, प्रोडक्शन, ट्रैफिक। मीडिया सर्विस में मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग, मीडिया रिसर्च। अकाउंट सर्विस में है एड प्लान, एड बजट, क्लाइंट रिलेशनशिप। एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, दैट इंक्लूड्स ऑफिस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। होप ये जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू।